अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है तुर्किश डिलाइट। ये तुर्किश डेजर्ट है जो बहुत ही इजी है, 10 मिनट्स में बन जाता है डेजर्ट और बहुत ही लाइट है खाने में। अब हम इसको प्रिपेयर करेंगे। एक ओवल शेप की ट्रे ले ली है, अगर आप चाहें तो रेक्टेंगुलर और ये स्क्वायर शेप की ले सकते हैं। मैंने इसे बटर से ग्रीस कर लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ऐड लगा रही हूँ ट्रे में। आप पूरा अच्छे से फैला कर इसे लगा दें। डेसिकेटेड कोकोनट को पूरी ट्रे में फैला दिया है। पर मैंने हाफ कप ठंडा दूध लिया है, इसमें मैं 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर मिलाऊंगी। 3 टीस्पून आप फुल लें, 3 टीस्पून आप इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। फिर मैंने 1 लीटर दूध को बॉयल होने के लिए रखा है, इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी, टेस्ट के हिसाब से ऐड करें आप। जब इसमें शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, हम इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करूँगी। आप इसे जल्दी से स्टर करते रहें, नहीं तो ये लम्स बन जाएगा, लम्स फॉर्म हो जाएंगे इसमें। इसे स्टर करते रहें आप कंटिन्यूसली, जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। पर हमारी क्रीम अच्छे से रेडी हो गई है और ये थिक भी हो गई है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम डेसिकेटेड कोकोनट पे इसे पोर कर देंगे। टेम्परेचर पे आ गया है, अब मैं इसे पोर कर दूंगी। इवनली पोर करें आप इसमें। मैंने नहीं, क्रीम को डेसिकेटेड कोकोनट पे पोर कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँगी। मैंने 100 ग्राम्स व्हिपिंग क्रीम ली है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी। हम इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे। हम व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लेंगे जब तक ये स्टिफ ना हो जाए। मैं इसमें 2 to 3 drops वेनिला एसेंस के ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे फिर एक बार बीट कर लेंगे। 2 to 3 drops पिंक रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये लिक्विड कलर है ये। यहाँ पर देखिए हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है और इसका कलर भी बहुत अच्छे से आया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग लिया है, मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हमारी पुटिंग रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अब मैं इस पर जो मैंने क्रीम को व्हिप किया था, मैं इसे इवनली स्प्रेड कर दूँगी पुटिंग के ऊपर और इसे हम 2 to 3 hours के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक स्पैटुला की मदद से क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी इवनली। इसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। यहाँ पर मैंने थोड़े से नट्स चॉप करके ऐड कर दिए हैं पुडिंग पे। अब मैं इसे 2 to 3 hours के लिए फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हमारी पुडिंग ठंडी हो गई है, अब मैं इसे कट कर लूँगी पीसेस में। पर हमारा टर्किश डिलाइट डेजर्ट रेडी है। आप इसे घर पर बनाइए, ट्राई करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।